पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ताली थाली बजाने से लेकर दिए जलवाना न जाने क्या क्या करने को कहा। लोगों ने उनकी बातें मानी और कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया जताया, लेकिन सिर्फ ताली थाली से इन लोगों की परेशानियां दूर नहीं होती हैं। हौसला बढ़ाने के लिए ये सब सही है, लेकिन अंत में आपको घर चलाने के लिए आर्थिक मदद की सहायता चाहिए होती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों की बात है, जब देश की राजधानी में एक हॉस्पिटल में नर्सों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण विरोध जताया। वहीं अब दिल्ली से ही एक खबर आ रही है कि एक अस्पताल ने बिना नोटिस दिए 84 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया। इस परेशानी की घड़ी में जब इन लोगों के लिए और अधिक आर्थिक मदद करने की जरूरत है, उस समय इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। मामला दिल्ली के हकीम अब्दुल हमीद सैनिटरी अस्पताल HAHC से जुड़ा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से नौकरी से निकाली गई इन 84 नर्सों में से एक कोरोना संक्रमित नर्स भी है। अस्पताल के इस फैसले के बाद नर्सों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मामले में इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने HAHC अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर सुनील कोहली को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि आपके अस्पताल की नर्सिंग अधिकारियों ने पिछले महीने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है। एसोसिएशन ने इस संबंध में 29 जून 2020 को आपको और संबंधित प्रशासन को एक पत्र लिखकर इन नर्सों की समस्याओं को सुलझाने का आग्रह किया था। हमारा विश्वास है कि आप नर्सों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उचित हल निकालने का प्रयास करेंगे। पत्र में नर्सों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकालने की घटना की निंदा की गई है। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन से नौकरी से हटाए जाने के पीछे वैध कारणों को स्पष्ट करने को कहा है। आपको बता दें कि यह अस्पताल हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च HIMSR के अंतर्गत आता है। हालांकि HIMSR के डीन कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि वह इस समय स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे। HIMSR ने अन्य सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि एक बार में 84 नर्सों को नौकरी से निकालने का फैसला उनकी मांगों को पूरा न करने के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस मामले में CPI सांसद विनोय विश्वमान ने पत्र जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से HAHC अस्पताल से नर्सों को नौकरी से हटाए जाने के मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। उन्हें नर्सों के साथ साथ अस्पताल प्रशासन की भी बातें सुनने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर अस्पताल प्रशासन की कोई मजबूरी है तो उसे भी देखा जाना चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।